हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोंटी विलेज व्लॉग। तो कैसे हैं सब लोग, मस्ती होंगे ना? तो गाइज, आज ना हमारे गेहूँ निकलेंगे, हम उनको इकट्ठा करने जा रहे हैं जो हाथ से काटे थे हमने। तो पूरा व्लॉग दिखाऊंगा, एंड तक बने रहना, ठीक है? और पसंद आए तो लाइक क्लिक जरूर करना, ठीक है दोस्तों? बहुत मेहनत लगती है व्लॉग बनाने में तो टाइम निकाल के मैं बनाता हूँ। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा देखिए वीडियो को, एंड तक देखिए, पसंद आए तो शेयर जरूर करना, ठीक है? तो चलिए चलते हैं, बैक कैमरा करके दिखाते हैं आपको सारा व्यू। सो गाइस, मैं जो है ना पहुंच चुका हूँ खेत के पास में ही जस्ट, और पापा भैया जो है ना मेरे से पहले आ गए थे, और मैं थोड़ा सा लेट हो गया था आने में क्योंकि घर का थोड़ा सा काम करवा के ना जब आया था। तो यहाँ ना पापा भैया लगा रहे हैं सैका, जो कि हमारे यहाँ सैका बोला जाता है, यानी कि ढेर जो हम जो पूली वगैरह बांधते हैं ना गेहूं काटने के बाद में, तो उसका लगाया जाता है। तो वो सामने देख रहे हो ना आप, देखो सामने, वहीं पे मुझे जाना है और मैं दोस्तों जल्दी से पहुंचने वाला हूं वहीं पे, और मुझे भी लगाना है। ये हमारे अंकल के खेत हैं पास में, उनके भी कटने वाले हैं लेकिन अभी नहीं कटेंगे। और ये दोस्तों हमारा ट्यूबवेल, और ये हमारी छोटी झोपड़ पट्टी आ गई है, ये सभी पूरा खेत का हम इकट्ठा करेंगे। कुछ पापा भैया ने कर दिए हैं पहले ही, और मैं अब आया हूँ तो मैं सब इकट्ठा करवाऊँगा इनको। तो चलिए चलते हैं, करते हैं सारा, फिर मिलते हैं आपको। सो गाइस, देखो बहुत देर के बाद में हमने सब ना सारा मतलब इकट्ठा कर दिया है दोनों खेत का, और पापा भैया बरसिंग काटने में बिजी हैं देखो सामने, और उस वाले खेत का भी मैंने कर दिया और इस वाले का भी, दोनों का हमने कर दिया है। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है गाइस, क्योंकि दोस्तों हमने हाथ से काटे थे और हमको ये खुद ही इकट्ठा करना पड़ा था, और जो निकलेंगे दोस्तों वो मतलब लेबर निकालेगी। तो गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी है, चलिए घर चलते हैं और उसके बाद में देखते हैं क्या होता है, निकालने आएंगे फिर हम गेहूँ, ठीक है? हेलो एवरीवन, तो मुझे लगा कि गेहूँ निकलना है, मैं आया तो भाई गेहूँ तो निकल गए, देखो सामने भर रहे हैं पापा भैया। मैं थोड़ा लेट हो गया घर से, तो आज ना मैं डल्लब में जा रहा हूँ, डल्लब का सीन दिखाऊँगा तुम्हें। देख रहे हैं ये डल्लब में बैठा, देखो मैं, ये एक छोटू है मेरे साथ ही, और सामने देखो निकल रहे हैं भर रहे हैं। मैं भी जाके जल्दी जल्दी हेल्प कराता हूँ, ठीक है, भरवाता हूँ, और जब तक तो चलते हैं ठेले से। कौन सी दिशा में लेके चला रे बटैया है ना, सॉन्ग किस किस को याद है भाई। ठीक है, चलते हैं, आज खेतों का नज़ारा देख लो भाई, आपको लग रहा है ब्यूटीफुल। छोटू इधर देख यार। सो गाइज, पहुंचने के बाद में ना हमने सारे गेहूँ जो है ना ट्रैक्टर में भर लिए हैं, ये हमारा अंकल का ट्रैक्टर है तो इसमें भर लिया हमने सारा। और दोस्तों वीडियो तो बड़ी मुश्किल के साथ में बनाता हूँ, क्योंकि दोस्तों कहीं पे जाता हूँ ना तो छुपके छुपाते में वीडियो बनाता हूँ, तो घर वाले थोड़े गुस्से में रहते हैं वीडियो बनाने को लेकर के, तो इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर ना आवाज़ नहीं दी थी, तो बस ऐसे ही वीडियो को बना लिया था बस चोरी छुपे। और मैं अब ट्रैक्टर के ऊपर बैठ गया हूँ वर्सिंग लेके, आप देख सकते हो यहाँ पे, मैंने यहाँ भी नहीं बोला है, बस इशारे में ही बात कर रहा था आपसे। और देखो पापा और भैया आगे बैठे हैं और मैं इधर बैठा हूँ, मतलब गठरी वगैरह पकड़ के जाना है ना, रास्ते में गिर ना जाए। तो चलिए अब चलते हैं घर पे, इनको उतारेंगे। तो सो फ्रेंड्स, मैं घर पे आया था, देखो हमारा मिट्ठू ना दाल खा रहा था यहाँ पे धीरे धीरे, और मैंने इसको आवाज़ दी थी लेकिन सुन नहीं रहा था, बस सुन रहा था खाली, बोल नहीं रहा था आवाज़ पे बिल्कुल भी। और फिर हम दोस्तों, मुझे नहाना भी है इसके बाद में, फिर नहा धो के ना हम खेत की तरफ गए थे, तो मैं सोचा कि यहाँ का थोड़ा व्यू अच्छा लग रहा है तो आप लोगों के लिए छोटे छोटे क्लिप ले लेता हूँ यहाँ के। सो गाइस, दिन छिप रहा था इस टाइम, तो आप लोग देख सकते हो कैसा नज़ारा यहाँ का, अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपको ऐसा ही अच्छा ब्लॉग लेकर अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल गाइज़।